फिर से एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज का इस वीडियो को देखने के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कंटेंट लाया हूं, अगर इस कंटेंट पे अगर आप ट्राई करते हो तो जस्ट एक से दो दिनों के बाद आपका पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। एंड मैंने भी अर्निंग किया, अर्निंग का प्रूफ भी आपको फर्स्ट ही में दिखा दिया, इस वजह से क्योंकि आप इस वीडियो को ट्रस्ट करो एंड इस कॉन्टेंट पे ट्राई करो। एंड ये कॉन्टेंट को कैसे आप लोगों को एडिट करना है, कैसे अपलोड करना है, क्या क्या करना है, सारा कुछ तो मैं बताऊंगा ही, बस आप लोगों को ध्यान से समझना, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को व्यूज का भी प्रूफ दिखाऊंगा, सारा कुछ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, तभी आप आज के वीडियो में आप समझ पाओगे और तभी इस कॉन्टेंट से आप अर्निंग कर पाओगे। एंड मैंने भी अर्निंग किया इस कॉन्टेंट से, लगभग 4 से 5 दिन में मैंने इतना $1,000 का अर्निंग किया। आप समझ सकते हो $1,000 कितना ज्यादा होता है, वो भी मैं यहाँ पे काउंट करके आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अब साइड में मेरा यहाँ से साइड में आप फोन स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ से लिखता हूँ $USD एंड $1,000 को मैं देखता हूँ कि इंडियन रुपीज में कितना होता है। ओनली फॉर मैंने 3 से 4 दिन में इतना रेवेन्यू को जनरेट किया, ठीक है। USD लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। USD लिखने के बाद यहाँ पे INR यहाँ पे क्लिक मैं कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे $1,000 को मैं देखता हूँ कि अभी के टाइम पे इंडियन रुपीज में ये कितना पैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1,000 लिख दिया हूँ, ठीक है। एंड 1,000 लिखने के बाद यहाँ पे देखो गाइस, इंडियन रुपीज इसका कन्वर्ट होके निकलता है ₹82,000। आप समझ सकते हो ओनली फॉर 3 से 4 दिन में 80,000 से भी ज्यादा का इनकम मैंने किया है। ओनली फॉर गाइस कॉपी पेस्ट वर्क करना है, ठीक है। ना ही कुछ करना, ना ही आप लोगों को कैमरा के सामने कुछ बोलना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी इस तरीके से नहीं करना है। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को डाउनलोड करना है, थोड़ा सा एडिटिंग करना है, अपलोड के टाइम से थोड़ा सा ट्रिक लगा देना, बस आप लोगों को इतना सा काम करना है। इतना सा काम करने के बाद आप लोगों का मंथली का इनकम तो सोच सकते हो 1-1.5 लाख से प्लस ही होने वाला है, ठीक है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तभी आप लोगों का कुछ इस तरीके का इनकम होगा, बट उससे पहले आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना होगा। क्या स्मार्ट वर्क करना वो मैं बताता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में, कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक को आप लोगों को समझना होगा, तभी आपके इस कंटेंट पे व्यूज आएगा। और इस कंटेंट पे भर भर के व्यूज आते गाइस, और इस कंटेंट का नाम है WWE, और वो यूट्यूब पे आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा, बहुत सा वीडियो है, ठीक है। आप लोगों का ना ही कॉपीराइट और स्ट्राइक का कोई चांस नहीं है, और आप लोगों का भर भर के तो व्यूज आएगा। उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को फेसबुक पे जाके व्यूज का भी प्रूफ दिखा देता हूँ कि कितना फेसबुक पे अभी के टाइम पे व्यूज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ WWE, ठीक है। तो गाइस मैंने जैसे यहाँ पे WWE लिखा तो यहाँ पे ऑफिशियल एक पेज आ गया जिसपे 42M लाइक है, और फॉलोवर तो पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा होगा। लाइक ही जब इतना है तो फॉलोवर कितना होगा, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो को ले लेता हूँ, जैसे कि जिसका जो भाई कॉपी पेस्ट करते हैं उसका ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सा नीचे अभी तो ऑफिशियल है जो WWE का उसी का वीडियो दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा जो कॉपी पेस्ट वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करेंगे, छोड़ो मैं वीडियो वाले ऑप्शन पे जाके आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ। वीडियो वाले ऑप्शन पे कोई भी वीडियो पे एक पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड इसका ऑफिशियल पेज एंड 16 घंटा पहले WWE को अपलोड किया गया है, और व्यूज देख लो 1,70,000 होने वाला, ठीक है। और बहुत सा भाई लोग कॉपी पेज भी करते हैं, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसका भी पेज अभी मिल नहीं रहा है आप लोगों को, मैं ढूंढ के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे गाइस कॉपी पेज सिर्फ वर्क करता है और मंथली का 1 से 2 लाख का इनकम करता है, ठीक है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ ये वीडियो देखो, एक दिन पहले अपलोड हुआ, 4,92,000, मतलब आप लोग समझ सकते हो 5 लाख व्यूज होने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। और यहाँ पे ऊपर में इसका टाइटल क्या है, बेस्ट रॉयल रमिल मैच इन WWE हिस्ट्री, ठीक है। आप लोगों को टाइटल में सारा कुछ मैं बताऊंगा। एंड इस प्रोफाइल पे जैसे ही मैं आता हूं तो 8 घंटा पहले भाई ने अपलोड किया 1,000 व्यूज, कल अपलोड किया था 4,700 व्यूज, उसके पहले अपलोड किया 2,27,000, और उसके पहले 5 लाख। ओनली फॉर भाई ने 4 वीडियो को अपलोड किया है और इतना ज्यादा व्यूज। अगर इसका फॉलोअर भी हम आपको चेक करवाएं तो फॉलोअर मैं चेक करवाता हूं, देख सकते गाइस अप्रोक्स 50,000, मतलब 40,000 से भी ज्यादा फॉलोअर है। 50,000 बहुत ही जल्दी ये इंक्रीज कर लेगा। इस कंटेंट पे भर भर के व्यूज आ रहे हैं और इस कंटेंट के बारे किसी को भी पता नहीं है गाइस। तो गाइस मैं जब भी कोई न्यू कंटेंट को ढूंढता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूं। तो अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, सबसे पहले आप लोग को न्यू कंटेंट के बारे हुई पे पता मैं चलता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं वही डालता हूं। तो कैसे गाइस आप लोग को WWE का वीडियो को एडिट करना है, कहां से लेना है,
कैसे अपलोड करना है सारा कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले WWE का वीडियो को लेने के लिए YouTube पे आ जाना है। YouTube के आने के बाद यहाँ पे आप लोग का आपको YouTube जो है ओपन होने लगे, यहीं से आप लोग को WWE का वीडियो लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि WWE, ठीक है, यहाँ पे WWE लिख दिया, ठीक है। WWE लिखने के बाद यहाँ पे सिंपली सा सर्च कर दिया तो यहाँ पे बहुत सा वीडियो WWE का रेसलिंग वाला वीडियो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी वीडियो आपको इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे WWE का एक ऑफिशियल चैनल पे आ चुका हूँ, ठीक है। इसका मोस्ट पॉपुलर पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर देख सकते हो 21 करोड़ व्यूज 9 महीना पहले। तो आप लोग को कुछ इसी तरीके का वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को डाउनलोड करने के बाद अब आप लोग का अच्छे से एडिट करना, अगर आप अच्छे से एडिट करोगे तभी आपके वीडियो पे कॉपीराइट और स्ट्राइक नहीं आएगा और तभी आप उस वीडियो से अर्निंग करोगे और भर के व्यूज लाओगे और तभी आप लोग सब कुछ अच्छा से हो पाएगा, ठीक है। अगर आपके वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा तो आपका वीडियो भी वायरल नहीं होगा और आपका पेज भी डिलीट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है। तो आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक WWE का वीडियो YouTube पे सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। यहां से मैं डाउनलोड कर लेता हूं और अब मैं चलता हूं अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन पे। तो गाइस अगर आप लोगों के पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो मैं बता देता हूं कि काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पिन किया हूं, तो वहां पे आप लोग जाके ले लेना। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से टैप करके मेरे टेलीग्राम पे जाके काइनमास्टर को आप इजीली इंस्टॉल करके वहां से एडिट करना, ठीक है। तो चलो गाइस मैं अपनी सिंपली से चलता हूं अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन पे, मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग को एडिटिंग करना है। वीडियो तो उठा लिए बट एडिटिंग करना नहीं आता, उसके बाद अपलोड करना भी नहीं आता, सारा कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने फोन के स्क्रीन पर एंड यहां से मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे काइनमास्टर एप्लीकेशन से WWE का वीडियो को एडिटिंग करना है, ठीक है। यहां से मैं सबसे पहले तो पूरा बैक आ जाता हूं, बैक आने के बाद आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप लोगों को पूरा प्रॉपर क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहां पे बोला जाता है आपको रेशियो 1:1 का रेशियो लेने के बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी वीडियो को डाउनलोड किए थे उस वीडियो को यहां से ले लेना है, ठीक है। मतलब जो भी WWE का वीडियो डाउनलोड किए थे उस वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, यहां से ले लेना है। लेने के बाद अब क्या करना है आप लोगों को, देखो ध्यान से, पहले वीडियो पे क्लिक करके यहां पे प्ले एज़ ज़ूम पे क्लिक करके इस पे क्लिक करके यहां पे आप लोगों को पूरा इसको ज़ूम कर लेना है, ठीक है। मैं आगे से एक और करता हूं, ठीक है, यहां पे पूरा ब्लैक दिख रहा है। यहां पे प्ले एज़ ज़ूम पे क्लिक करके इसको पूरा फुल साइज में कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड जैसे ही आप करते हो तो अब आपको क्या करना है, इसका स्पीड को थोड़ा इससे इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो 3 मिनट का लेंथ ही आपको रखना है। यहाँ पे कीप पिच का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि इसका आवाज थोड़ा गड़बड़ ना हो। अब मैं दिखाता हूँ वीडियो, देखो कुछ इस करके आगे से क्या करना है, हल्का सा पार्ट को आप लोगों को कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद फिर से जाना है पीछे, ठीक है, पीछे का भी पार्ट थोड़ा सा इतना कट कर देना है। कट करने के बाद आप लोगों का कुछ इस तरीके का वीडियो होगी। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा कलर ग्रेडिंग करना है, ठीक है। कलर ग्रेडिंग कैसे करना है, फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करके इसका थोड़ा इसका इतना कम कर देना है, ठीक है। इतना कम करने के बाद अब देखो आपका वीडियो परफेक्ट एक तरह से एडिटिंग हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों का क्या करना है, बस आप लोग इतना सा एडिट करने के बाद अब आपका एडिटिंग हो चुका है। डन होने के बाद ऊपर वाले एक्सपोर्ट वाला बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव अस वीडियो का ऑप्शन है, ठीक है। सेव अस वीडियो का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपका ये जो वीडियो ये है यहाँ पे सेव होने लगे। सेव होने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है कि अब आप लोगों को अपलोड कैसे करना है। अगर आप अच्छे से अपलोड करोगे तभी आपका ये जो वीडियो है वायरल हो पाएगा, ठीक है। तो चलो गाइस अब मैं चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पर एंड वहां से मैं समझाऊंगा कि कैसे अब आप लोगों को अपलोड करना है कि और कौन सा ट्रिक लगाना है कि आपका वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो और आप उससे अच्छा खासा अर्निंग कर पाओ, ठीक है। तो चलो गाइस चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर। अब तो आप लोगों ने वीडियो को लेना कहां से वो भी सीख गए, एडिटिंग कैसे करना वो भी सीख ही गए होंगे, ठीक है। आप लोगों को कुछ इसी तरीके से करना है, वीडियो को उठाना है और एडिट करना। और अब आ जाता है हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कि कैसे आप लोगों को अपलोड करना। अगर आप अच्छे से अपलोड करोगे तभी आपके वीडियो पे व्यूज आएगा और तभी आप इस कॉन्टेंट से अर्निंग कर पाओगे और ना ही आप लोगों को कॉपीराइट और स्ट्राइक ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों को इसके लिए अच्छा से एडिटिंग करना होगा, जैसे मैंने आप लोगों को एडिटिंग बताया सेम उसी तरीके से एडिटिंग करना होगा, ठीक है। चलो गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग अपलोड करोगे। फिर से गाइस आप साइड में मेरा फोन स्क्रीन देख सकते हो, यहां से जाता हूं मैं अपने क्रिएटर स्टूडियो पे। यहां से मैं आप लोगों को यहां से एक और बैक आ जाता हूं, ठीक है। बैक आने के बाद ये मेरा एक पेज है एंड पेंसिल वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है।
एंड जैसे गाइस पेंसिल वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ या वीडियो ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड जो वीडियो को मैंने एक्सपोर्ट किया था उसी वीडियो को यहाँ से मैं ले लेता हूँ। वीडियो को लेने के बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से थंबनेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। एड पे मैं क्लिक करता हूँ, एड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को चूज फॉर वीडियो का नीचे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उस पर आप लोगों को जैसे ही क्लिक करो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। आप लोगों को जैसे ही चूज फॉर वीडियो पे क्लिक करो यहाँ से मैं बैक आता हूँ, ठीक है। फिर से ओपन करता हूँ एंड ओपन करने के बाद अब मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ कि क्या क्या करना है, ठीक है। यहाँ फिर से पेंसिल वाले वीडियो वाले ऑप्शन पे आ जाना है, जो वीडियो का एक्सपोर्ट किया तो उसी वीडियो को ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टाइटल क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है और थंबनेल कैसे लगाना है, यहाँ पे सबसे पहले एड पे क्लिक करना है, ठीक है। एड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे चूज फॉर वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चूज फॉर वीडियो पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक यहाँ से थंबनेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं एक ये थंबनेल को सेलेक्ट कर ले, जिस भी थंबनेल आप लोगों को अच्छा लगे यहाँ से आप लोग वीडियो को इधर उधर करके आप लोग थंबनेल सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को टाइटल आ जाता है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे लिखना है WWE, ठीक है। उसके बाद लिखना है आप लोगों को हाईलाइट, ठीक है। WWE हाईलाइट लिखने के बाद 2023 लिख देना है, ठीक है। 2023 लिखने के बाद हैशटैग लगा देना है WWE। बस आप लोगों को इतना काम करने के बाद इस टाइटल को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सेम आप लोगों को ये टाइटल को डिस्क्रिप्शन में भी लगा के डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके पब्लिक कर देना है। अब आप लोगों का हो चुका है WWE का वीडियो हो चुका है पब्लिक। अब आपके वीडियो पे कुछ टाइम के बाद व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे और उसके बाद एक एक झटका से ग्रो, मतलब एक मतलब क्या ही बोले, ये वीडियो जो है कि मतलब व्यूज अभी आप लोगों को नहीं दिखेगा, मतलब 4 से 5 घंटा व्यूज नहीं दिखेगा, उसके बाद जो है ना एक तरफा से व्यूज आने लगेगा तो फिर रुकेगा ही नहीं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, एक पेज लेके नहीं चलना है। मैं बार बार बोलता हूं कभी भी कॉपी पेस्ट वर्क करते हो तो एक पेज लेके नहीं चलो, ज्यादा से ज्यादा पेज लेके चलने का कोशिश करो, 3 से 4 पेज पे काम करो। और 3 से 4 पेज पे अगर आप काम करोगे तो 100% है 2 से 3 पेज, आप मतलब 4 पेज पे अगर काम करोगे तो 2 पेज तो 100% चलेगा ही, ठीक है। आप लोगों को कुछ इसी तरीके से वीडियो को डाउनलोड करना है, एडिट करना है और अपलोड करना है और आप लोगों का क्राइटेरिया जब हो जाएगा फुल और आप इससे अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग को यही बताने का था कि आप लोग कैसे WWE का वीडियो को कॉपी पेस्ट करके अच्छा खासा अर्निंग को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना एंड मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।